ये मोर की पंखियों के लगाए हैं। कीरा 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 नहीं। अच्छा इससे कीरा नहीं आएंगे। ये तो एकदम न्यूट्रल हो गया, ऐसे लग रहा सूंघ रहा है उसको। आज का रेस्क्यू कॉल हमें आजमगढ़ जिले के रामपुर बढ़ौना से आया है। इस जगह का नाम एग्जैक्ट गोरिकपुर है और ये पलहना के पास में पड़ता है। यहाँ पर नाग नागिन का जोड़ा देखा गया, जैसा कि यहाँ के लोग बता रहे हैं घर के अंदर नाग नागिन का जोड़ा देखा गया है। तो बिना वक्त गवाए हम लोग मौके पर पहुँच चुके हैं। चलिए चल के देखते हैं कहाँ पर सांप है, उन्हें सुरक्षित ढंग से रेस्क्यू करेंगे, साथ में उनके अनुकूलित वातावरण में उन्हें रिलीज भी करेंगे। चलिए बताइए। चलिए चलिए क्या लकड़ी वकड़ी सब आप ही लोग निकाले हैं? ये मोर की पंखियों के लगाए हैं। अच्छा इससे कीड़ा नहीं आएंगे। कई सारे लोग मानते हैं कि इसको लगाने से सांप नहीं आता है, तो चलिए हम लोग पहले रेस्क्यू करते हैं, उसके बाद आप लोग इसके बारे में बता देते हैं। दिख रहा है क्या? एक तो वहाँ भी बैठा हुआ है, इसके नीचे एकदम सामने बैठा हुआ है। दूसरा किधर देखे आप? दूसरा कहाँ पे? लकड़ी में घुस गए किसी के नीचे, सामने। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हमें एक सांप दिखाई दे रहा है, और यहाँ के लोगों का ऐसा कहना है कि उसी के पास में एक और सांप है। लगता है कुछ खाया हुआ है। हाँ लगता है कुछ खा के बैठा हुआ है। क्या आपने दो एक साथ में देखा था या फिर एक ही को दो बार देखा? दो एक साथ देखे हैं कि एक ही? अच्छा ऐसे दिखे थे, दोनों एक ही साथ में बैठे थे। भाई सब देख सुनने ट्राई कर रहा है। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं एक सांप पर हमारी पकड़ बन चुकी है, और ये काफी ज्यादा अग्रेसिव है, बहुत ही ज्यादा गुस्से में। पहले तो हमें लग रहा था कि ये कुछ खा करके बैठा हुआ है, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि इसने कुछ खाया हुआ नहीं है। और इसकी साइज बहुत ज्यादा बड़ी है। अभी दूसरा का कैसे पता चलेगा, क्या करना पड़ेगा? देखना ही पड़ेगा तब भी ना। और आप देख सकते हैं इन्होंने घर में लगभग हर जगह पर मोर पंख लगाया हुआ है, और इन लोगों का साथ में कई सारे और लोगों का ऐसा मानना होता है कि मोर पंख रखने से सांप नहीं आता है। क्या हुआ? हमें लगा अच्छा यही जा रहा है, हमें लगा दूसरा नहीं, यही था। ध्यान से, यहाँ के लोगों का साथ में कई और सारे लोगों का ऐसा मानना होता है कि मोर पंख रखने से घर में सांप वगैरह नहीं होते हैं। तो आज हम लोग इस चीज का भी परीक्षण करने वाले हैं सांपों के साथ में। क्या किया जाए? पहले इसको पैक किया जाए, उसके बाद देखते हैं दूसरी बार। ठीक है, इसको पैक करते हैं, उसके बाद दूसरा हम लोग ढूंढ लेते हैं। और अभी हम लोग सांप को लेकर के बाहर की तरफ चल रहे हैं, वहां पर इसे बैग वगैरह में पैक किया जाएगा। लेकिन बैग में पैक करने से पहले हम लोगों के इस डाउट को क्लियर करेंगे कि क्या सच में मोरपंख सांपों को दूर भगाने में काम करता है या फिर नहीं। बेसिकली हम मोरपंख की मदद से सांप को डराने का प्रयास करेंगे, और ये देखेंगे कि क्या सांप मोरपंख से डरता है। अंदर जितना भी मोरपंख रखा है जाओ लेते हो भाई, ये वाला भी और अंदर वाला भी, जो भी लेकर रखे लेके आइए। नहीं छोड़ा नहीं जाएगा, उसको भी चल के भी देख लेंगे। अभी चल के इसको भी देख लेते हैं। जितना मोरपंख है सारा लेके आओ। मोरपंख से सांप डरते कि नहीं, क्या लगता है? डरते हैं। पक्का श्योर है? मतलब मोरपंख से सांप डरते हैं कि मोर समझ के कि भाग जाएं दूर, है ना? तो अभी आप लोग लाइक क्या लग रहा है, हम लोग अगर इसके सामने मोरपंख को रखेंगे तो मतलब क्या होने वाला, भागेगा सांप? नहीं भागेगा। क्यों नहीं भागेगा? छोड़ के हम लोग फ्री करके देखेंगे ना, अगर डरते होंगे तो भागेंगे ही। तो उसी चीज का टेस्टिंग हम लोग करने वाले हैं, ताकि आप लोग को भी क्लियर हो, साथ में कई सारे लोगों को क्लियर हो, क्योंकि पूरे भारत देश में हमारे वीडियो को देखा जाता है। तो सभी लोगों का डाउट एक साथ क्लियर हो कि सांप मोर पंख से डरते हैं या फिर नहीं डरते हैं, इसको देख के भागते हैं या फिर नहीं भागते हैं, सारा डाउट आज क्लियर होने वाला है। मोर तो सांप को मार देते हैं, डर से रखा। मतलब आप लोग का कहना यह है कि मोर पंख जब भी घर में रखा जाएगा तो सांप हमारे घरों में नहीं आएंगे। नहीं आएंगे।
तो पहले हम लोग सांप को यहाँ पर छोड़ते हैं, उसके बाद उसके पास मोरपंख ले आते हैं। बस हमारा यही उद्देश्य रहता है कि हम अपने वीडियो के माध्यम से सांपों के बारे में लोगों को एजुकेट करें। तो जो भी मिथ्स होते हैं उस पर हम लोग काम करते हैं, लोगों को अवेयर करने का काम करते हैं। मिथ्स यानी कि अंधविश्वास, जो भी अंधविश्वास है सांपों को लेकर के। हम लोग इनको बहुत प्यार से डील कर रहे हैं ना, इसलिए डर नहीं रहे हैं। जब डरते तभी हुक लेते हैं, जब डरते तभी फन लेके डराते हैं। तो हम लोग इतना इसको सरलतापूर्वक डील कर रहे हैं कि डर ही नहीं रहे। फूकते तो यही है। तो अभी हम लोग इसके पास मोरपंख रख करके ट्राई करते हैं क्या होता है। किसी और से मंगवा लीजिए विकास, पीछे से मोरपंख पकड़ाना चाचा जी को हाथ में सारा इकट्ठा करके। नहीं नहीं, भाग रहा है और ये भागने के भागने में पड़ा हुआ है। तो हम लोग तो पूरा कलर हो इसके आगे रखिए, जिधर जा रहा है उधर ही रखिए, देखते रुकता है क्या होता है। क्योंकि असली टेस्टिंग तो यही होता है ना कि मोरपंख घर में रहेगा तो नहीं आएगा। तो हम लोग इसके सामने जिधर जा रहा है मोरपंख रखिए। कोई मतलब नहीं है ना, और आप लोग देख सकते हैं कोई मतलब नहीं पड़ रहा है। मोरपंख के ऊपर से चढ़ते हुए जा रहे हैं। बोलता था कि जहां तक मोर जाते एक भी सांप नहीं जाता बाबा। पहले सब लोग ये बोलता था कि जिधर मोर जाते हैं चले आगे रखिए, फिर इस साइड रखते हैं। हाँ, इसके आगे मोरपंख रखिए, इसके आगे। तो रास्ता इसका रोक दीजिए मोरपंख से, देखिए कोई फर्क कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और ये मोरपंख पे चढ़ते हुए चला जा रहा है, मोरपंख के बीच से जा रहा है। अब इससे क्या आप लोगों को लग रहा है? गलत बात है। अभी आप चाचा आप ज्यादा अंधविश्वास में थे, इसके लिए पहले तो आप ही बताइए आपको क्या लग रहा है। हाँ, गलत गलत है ना। गलत, गलत। तो है अभी जो लंबा लंबा रस्ते से अभी घर में आके बैठती करती है तो अभी आने को कहाँ पे आना जी। ये क्यों ना रहा? और जानते हैं हमारा इस वीडियो को बनाने का या आप लोगों को ये चीज दिखाने का पर्पज ये था कि कई बार मोर का अवैध शिकार होता है मोरपंख के लिए। लोग मोरपंख के लिए मोरों को मार दिया करते हैं, कुछ लोग सुंदरता बढ़ाने के लिए घर में सजाने के लिए, और कुछ लोग सांप से बचने के लिए। तो हम लोग सिर्फ लोगों का ये डाउट क्लियर करना चाहते थे कि सांप के ऊपर मोरपंख का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ताकि जो मोरों का अवैध शिकार हो रहा है वो रुक जाए, मोरों का शिकार बंद हो जाए। काटत ना ना चलिए। नहीं, आप लोगों को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। बिरही लगाए हैं आप? क्या, कहाँ बिरही? हाथ में। कहाँ हाथ में? देखिए कहाँ है। अरे अब हो सकता नहीं, दिखाइए हमें। क्या नहीं, वो आप... देखने दिखाने की बात नहीं, बाबा जी मानेंगे नहीं इनको, आप बता देंगे क्यों नहीं कट रहा है। लिक्विड हो सकता है। इनको रीजन बता दीजिए चाचा जी क्यों नहीं कट रहा है। अच्छा, लिक्विड हो जाता तो कुछ महकता। देखिए महक रहा मेरा हाथ? नहीं महक रहा ना, तब मेरे हाथ में तो कुछ है भी नहीं। देखिए ये भी आप देख लीजिए, देख लीजिए, सूंघ लीजिए, बिंदास देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए आप लोग जान लीजिए, इसमें कोई तंत्र मंत्र ना कोई बिरही ना कोई केमिकल मैंने लगाया हूँ। ठीक, मंत्र भी नहीं है, कुछ नहीं है। मंत्र से सांप पकड़ेंगे? अगर मंत्र से ऐसा होता, अगर मंत्र से मैं सांप को पकड़ता तो सरकार हमें जो है पूरा मंत्र से बोलती कि सभी रहवासी क्षेत्रों से सांप को निकाल के ले जाके उसको जंगल में छोड़ो, कहती ना कि नहीं कहती? जी नहीं, वो लौकी का काट क्यों नहीं रहा है आपको? मैं बता रहा हूँ क्यों नहीं कट रहा है। देखिए होता क्या है कि इसको पकड़ने के लिए ना तो हमारे पास कोई जड़ी बूटी ना कोई मंत्र है। अब आपने सही पूछा कि ये काट क्यों नहीं रहा है, तो किसी भी जानवर हो या इंसान हो वो हमें तभी, इधर देखिए मेरी तरफ बाबा जी, कोई जानवर या इंसान हो वो हमें तभी नुकसान पहुंचाते हैं जब हम उसे नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे जाहिर सी बात, हम आपके साथ ऐसे अगर आपको प्रणाम करेंगे, तमीज से पेश आएंगे, आप हमें कोई नुकसान नहीं करेंगे, आपको धक्का देंगे, आप भी मुझे मारने का ट्राई करेंगे। सेम होता है सांपों के केस में कि हमारा इनको ट्रीट करने का तरीका बहुत सरल होता है, हम लोग बहुत आसानी से इन्हें पकड़ते हैं, इन्हें खतरा महसूस होता ही नहीं है, इसलिए शांत हो जाते हैं, अटैक करने का प्रयास नहीं करते हैं। और भारत सरकार से संबंध है, मतलब हम लोग बेजुबान जीवों को रेस्क्यू करते हैं, इसके लिए हमें गवर्नमेंट कोई सैलरी नहीं देती है, मतलब हमें सरकार की तरफ से कोई पैसा नहीं मिलता है, सिर्फ गवर्नमेंट के मतलब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारियों की तरफ से संरक्षण प्राप्त रहता है बेजुबान जीवों को बचाने के लिए। तो वही बात है कि हम लोग इनको इतना सरलतापूर्वक ट्रीट करते हैं कि ये अग्रेसिव नहीं होते, गुस्से में नहीं आते हैं। अभी हम लोग इनको मारने का प्रयास करते हैं, इनके साथ छेड़छाड़ करते, तब ये हुड लेकर के डराते और अटैक करते हैं। बस नहीं काटने का रीजन यही है कि हमें पता है कि इनको किस ढंग से छूना है, किस ढंग से पकड़ना है, कि ये नहीं काटेंगे। हमारी कभी कापी मत करिएगा कि मैं गुड्डू मौर्या पकड़ रहे हैं तो मैं भी पकड़ लूं। ये तो एकदम न्यूट्रल हो गया, ऐसे लग रहा है सूंघ रहा है उसको, देख रहे टच कर रहा है।
चलिए फिलहाल उसको हम लोग पैक करने का ट्राई करते हैं। चलिए देखते हैं तुरंत से चलाया था या फिर थोड़ा वक्त लेता है। वैसे ये पहले की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा शांत हो गया है। जब हमने इसको पकड़ा था तो ये थोड़ा अग्रेसिव नज़र आ रहा था क्योंकि लोगों की भीड़ के वजह से ये थोड़ा डर गया था, लेकिन जब हमने इसको बहुत ईजिली हैंडल किया तब ये रिलैक्स्ड हो गया है और बहुत ज़्यादा शांत नज़र आ रहा है। तो हमें लगता है कि ये तुरंत से बैग के अंदर चला भी जाएगा और आप देख सकते हैं बिल्कुल भी ज़्यादा वक्त न लेते हुए ये खुद ब खुद बैग के अंदर चला जा रहा है। इस सांप को पैक करने के बाद हम लोग दूसरे सांप को भी ढूंढने का प्रयास करेंगे क्योंकि यहाँ के लोग बता रहे हैं कि एक और सांप होने की संभावना है। निकलो भाई, ये जो बता रहे हैं कि है। आई सब बुलाए ले, हाथ हटा लीजिए, रुक दो देखिए तुम इसको निकालिए, निकालिए सारा सामान हटा लीजिए, दो तीन लोग हटा दीजिए इधर भी नहीं, टाइल के नीचे देख लीजिए तब तक। लकड़ी बुलाई सब लोग, हाथों हाथ हटाइए, मुझे नहीं लग रहा है कि कोई और होगा। दिखाइए मुझे, दिखाइए कहाँ दोटो, दिखाइए हमें लगता है उसका, दिखाइए एक सेकंड। अरे एक ही चाचा, देखिए एक सांप पूरा उतर पड़ा है, एक ही है, दो जगह, एक तरफ पूंछ दिख रहा है, तरफ मुंह दिख रहा है, करें दो है, एक ही है, 191% एक है। हमें जो है इन लोगों ने बताया कि नहीं दो सांप है, लेकिन यहाँ पे हम पूरा हम लोग ढूंढे हैं, एक ही सांप मिला है। वो इस तरह से था कि मतलब लग रहा था दो, हाँ, मैं लगता है कि वैसे जब मुंडी एक साइड था और दूसरा जो सिरा पूछ का सिरा था एक तरफ था, तो इन लोगों को लगा कि दो है, ऐसा ऐसा ही लग रहा है हमें। आप बच्चा उनका ना, वही बोला कि दो है। अच्छा बोला नहीं है कि सांप, एक ही बाबा, वो बस ढका हुआ था बीच का। और यहाँ पर हम लोग ग्रामीणों की मदद से सांप को रिलीज करने के लिए आ चुके हैं। ये उस गांव के बाहर वाला जंगल का एरिया है, ऐसे में हम लोग यहाँ पर सांप को रिलीज कर देंगे और ये अपनी बाकी की जिंदगी अच्छे ढंग से जी पाएगा। हम लोग जंगल में अंदर की तरफ नहीं गए क्योंकि बहुत ज्यादा रिस्की होता, हम लोग बाहर से इसे रिलीज कर रहे हैं। सामने बहुत बड़ा घना जंगल है जहाँ पर अच्छे ढंग से रह लेगा। आज की वीडियो और जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करें जरूर, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज्यादा शेयर करें और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।